नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 946वां एपिसोड। आज 17 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। दो हफ्ते आईपीएल को हो चुके हैं पूरे और एक टीम प्लेऑफ के गणित से हो चुकी है बाहर। कौन सी टीम है, क्या कारण है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। तो एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की इसी तरह की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर हर रोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा। अभी तक हिट नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो आज होगा आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मैच। आरसीबी की टीम होगी सीएसके के सामने और कंकरेंट व्यूअरशिप के हिसाब से ये इस साल के आईपीएल का सबसे बड़ा मैच एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्टेडली जियो सिनेमा पर आज एक साथ 3 करोड़ लोग इस मैच को देखेंगे। टीवी पर कितने देखेंगे उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, लेकिन इस मैच की पूरी प्रीव्यू, विन प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11 और कंपैरिजन वाली वीडियो हमने डाल दी है सबसे पहले। ऊपर कार्ड पर लिंक चल रहा होगा, फटाफट खोल लो भाई और फटाफट वीडियो को देख लो, क्योंकि आपको पता है कि हमारी 75-80% विन प्रिडिक्शन सही होती है इस आईपीएल में अब तक हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो MIKKR कल मैच हुआ और इस मैच में स्लेजिंग देखने को मिली। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 की पहली स्लेजिंग थी ये, क्योंकि नीतीश राणा और ऋतिक शौकीन के बीच शब्दों का लेन देन हमें फील्ड के बीच में, पिच के बीच में देखने को मिला। हालांकि ये दोनों ही खिलाड़ी दिल्ली से आते हैं और इन दोनों के बीच स्लेजिंग देखना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली की क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक आप स्लेजिंग करते नहीं है तब तक आप पूर्ण रूप से क्रिकेटर बनते नहीं है, और यही चीज हमने इस मैच में देखी, क्योंकि दो ही दिल्ली वाले थे और दो ही लड़ ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की। तो ऋतिक शौकीन और नीतीश राणा दोनों पर फाइन भी लग गया है। दरअसल ये जो स्लेजिंग हुई, ये जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ, इसको लेकर नीतीश राणा के ऊपर एम्पायर्स ने 25% मैच फीस का जो है फाइन लगाया है। तो वही ऋतिक शौकीन है, उनकी गलती थोड़ी सी कम थी इसलिए उन पर 10% मैच फीस का जो है फाइन लगाया गया है। इन दोनों को दोस्तों आने वाले 7 दिनों के अंदर ये फाइन BCCI को जमा करना होगा। तो सीधी बात है कि भैया दिल्ली की क्रिकेट में कुछ भी चलता हो लेकिन आईपीएल में नहीं चलता, क्योंकि फाइन लगा दिया गया। अब आप भी चाहते हैं क्या भाई, क्या देखना चाहते हैं, आपको स्लेजिंग कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में सर अपनी राय बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो चौथे कैप्टन का नाम सामने आ गया है जिन पर बीसीसीआई ने स्लो ओवर रेट के कारण लगा दिया है फाइन। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स के नाम मिलेंगे जिन पर फाइन लगा है, क्योंकि इस बार बीसीसीआई बहुत सख्त है। नियम अनुसार सब पर फाइन लगाया जा रहा है, मतलब एक तरह से पुलिस वालों का रोल निभा रहा है बीसीसीआई। जिसको देख रहा है विदाउट हेलमेट फाइन लग रहा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव अब बन गए हैं चौथे कप्तान जिन पर 12 लाख रुपए का स्लो ओवर रेट के कारण, जो केकेआर के खिलाफ एमआई का मैच हुआ था उसमें 12 लाख रुपए का फाइन लगा है। प्लेसिस सैमसन और पंड्या, इन तीनों पर ऑलरेडी इसी तरह का स्लो ओवर रेट वाला जो है फाइन लग चुका है। आपको बता दूं, बीसीसीआई का नियम है कि अगर आप निर्धारित समय से ज्यादा समय लेते हैं गेंदबाजी करने में, बॉलिंग करवाने में, तो जो बॉलिंग टीम का कप्तान होता है 2 मैचों तक उस पर फाइन लगाया जाएगा और तीसरे मैच में उस कप्तान को 1 मैच के लिए बैन किया जाएगा। तो बीसीसीआई सख्त है इसलिए फाइन लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की पांचवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो विराट कोहली ने कर दिया है सौरव गांगुली को अनफॉलो। जी हां दोस्तों, हमने जो पिछला मैच आरसीबी का देखा था दिल्ली कैपिटल्स के बीच, उसमें विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच भी एक तरह का टसल देखने को मिला था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से कहा कुछ नहीं, लेकिन जब विराट फील्डिंग कर रहे थे तो सौरव गांगुली की तरफ घूर रहे थे। जब दोनों ही टीमों के प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो विराट ने गांगुली से हाथ नहीं मिलाया था। अब रिपोर्ट यह है दोस्तों कि विराट कोहली ने अनफॉलो कर दिया है सौरव गांगुली को, और ये बात साफ साफ बताती है कि विराट खुश नहीं है, क्योंकि रिपोर्टेडली चेतन शर्मा ने आपको बताया, खुलासे किए थे कि गांगुली का हाथ था विराट को कप्तानी से हटाने को लेकर। एंड मेरे हिसाब से भैया कौन सही है कौन गलत है ये मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता, आप इस पर अपनी राय जरूर लिखना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मसला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है दोस्तों आज महेंद्र सिंह धोनी और जॉस हेजलवुड के हवाले से। अगर हेजलवुड की बात करें तो खेलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, महेंद्र सिंह धोनी के 50-50% चांसेस रहेंगे, लेकिन आज दिन भर में बहुत कुछ घटेगा और वो सारी डिटेल इन दोनों ही खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को लेकर हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, फटाफट जाइए फ्री में ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, फ्री में हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए वहां भी, क्योंकि सीधी बात है कि बस आपको टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना है और आईपीएल की तमाम ब्रेकिंग न्यूज कोई नहीं देता, सबसे पहले हम दे देते हैं, पिन पिन बराबर की आईपीएल की खबरें सबसे पहले हमने दी है, जिन्होंने फॉलो किया होगा ना उनको सबको पता है, तो फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फॉलो कर लो और परिवार का हिस्सा बन जाओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की साथ ही बड़ी रिपोर्ट की। तो दिल्ली हो चुकी है आईपीएल से बाहर और इसको लेकर एक आंकड़ा है, एक गणित है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों पूरा मसला ये है कि दिल्ली अपने पिछले पांच में से पांचों के पांचों मैच हार चुकी है और इस समय पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले स्थान पर मौजूद है। आईपीएल के शुरुआती दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं और इस समय बहुत कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आईपीएल का एक आंकड़ा है, जब भी 10 टीमें खेलती हैं आईपीएल में और एक साथ राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक साथ पॉइंट्स टेबल बनाकर खेलती हैं, जो कि इस साल हमें खेलते हुए दिख रही हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप पांच मैचेस हार जाते हो, पांच या छह मैचेस हारने के बाद आप प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। जब आठ टीमें खेलती थी तब आप सात या आठ मैचेस हारने के बावजूद भी प्लेऑफ में पहुंच जाते थे, लेकिन हमने पिछले साल देखा कि आप छह मैच हार जाते हैं या पांच मैच हार जाते हैं तो भी बमुश्किल ही आप प्लेऑफ में पहुंच पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली फंसी हुई है, दिल्ली एक तरह से बाहर है, क्योंकि टूर्नामेंट और टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल का गणित यही बोलता है कि सीधी बात है आप पांच मैचेस हार चुके हैं और अब आप बचे हुए सारे मैचेस जीत भी जाते हैं, क्योंकि अभी भी दिल्ली के सात मैचेस बचे, अगर 14 पॉइंट्स दिल्ली ले भी आती है तो भी दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। फिर बोल रहा हूं दोस्तों 10 टीम टूर्नामेंट है, बहुत कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि 10 टीमों के बीच टेबल तैयार होता है, एंड दैट्स व्हाई दिल्ली का बाहर होना लगभग कंफर्म आप समझ लीजिए प्लेऑफ से। अब आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, दिल्ली के अलावा आपको कौन सी टीम लगती है जो कि नहीं पहुंच पाएगी प्लेऑफ में, और आपको कौन सी वो चार टीमें लगती है जो कि इस साल का प्लेऑफ खेलेगी, कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय जरूर लिखना, देखते हैं दोस्तों कौन सबसे सटीक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो विराट कोहली ने आईपीएल और भारत पर, इंडिया पर बड़ी बात कह दी। दरअसल एक रीसेंट इंटरव्यू में विराट कोहली ने कहा, गिव मी 12 hours, I would honestly just walk around. दरअसल दोस्तों विराट कोहली ने साफ कहा कि मुझे सिर्फ 12 घंटे अकेला छोड़ दो, मैं सिर्फ सड़कों पर टहलना चाहता हूं। विराट का कहना है कि उन्हें बहुत लंबा अरसा हो गया है भारत की सड़कों पर चले हुए। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो कभी बहुत दिनों से स्ट्रीट पर, कहीं भी किसी भी देश की स्ट्रीट पर नहीं उतरे हैं और वो बस बाहर घूमना चाहते हैं। एक पहलू ये भी है दोस्तों कि क्रिकेटर की जिंदगी वैसे तो बहुत बहुत चार्मिंग लगती है, लेकिन हमें पता है कि जिस तरह का शेड्यूल है खिलाड़ियों का, आईपीएल उसके बाद सीरीज दर सीरीज, खिलाड़ियों को समय नहीं मिलता है खुद के लिए, और ये चीज विराट की बातों में साफ साफ झलकी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं दिन भर की नौवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट आ रही है केकेआर के हवाले से, खुशखबरी है, क्योंकि साल 2008 में ब्रेंडन मैकलम ने शतक मारा था, उसके बाद से केकेआर के किसी भी बल्लेबाज ने शतक नहीं मारा था। अब ये रिकॉर्ड टूट गया है क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने, जी हाँ वेंकटेश अय्यर ने एमआई के खिलाफ शतक मारकर इस रिकॉर्ड को तोड़ा है और वो दूसरे केकेआर के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने केकेआर से खेलते हुए शतक मारा है। ऐसा वियर्ड रिकॉर्ड केकेआर के हवाले से देखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि केकेआर अमूमन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टीम रही है, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि केकेआर के प्लेयर्स इतने सालों तक शतक तक नहीं मार पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, से बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी रिपोर्ट की। पॉइंट्स टेबल पर एक बार निगाह डाल लेते हैं, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बहुत ऊपर बना हुआ है, पिछला मैच भी जीत गया था, मुंबई जीता था पिछला मैच, केकेआर को हराया था, जिसका थोड़ा सा फायदा मुंबई को भी टेबल पर मिला है। पांच टीमें ऐसी है जिनके चार चार अंक है। अब टेबल देखने के बाद आप फिर वही पूछ रहा हूँ, जरूर बताइए कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर दोस्तों कौन सी टीम आपको लगती है इस साल प्लेऑफ में पहुंचेगी। फिर बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स नीचे, टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि टेलीग्राम पर सारी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलती है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाइए।